हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी योगा डे टू ऑल। आज हम सुबह आप लोग से एक फिटनेस का राज शेयर करना चाहेंगे। ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग वॉक। ये जो मॉर्निंग वॉक है ये कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं है। ये जो फिटनेस भी है, ऐसा नहीं है कि आप कोई योगी या कोई बाबा इनको फॉलो करके योगा करना है। फिटनेस का मतलब है जस्ट मूवमेंट इन योर बॉडी। आपके बॉडी में मूवमेंट की ज़रूरत है जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो और आपको कोई रोग ना हो, बस यही फिटनेस है। तो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग वॉक। वॉकिंग वे भी कई प्रकार है, रिलैक्स वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। ये जो रिलैक्स वॉकिंग आपको अगर फिट होता है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो रिलैक्स वॉकिंग। और वॉकिंग हमेशा अकेले में कीजिए, सो दैट इट्स वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप जब वॉक करते हैं तो आपकी जो थॉट्स भी साथ में आते हैं, तो इट्स वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो ऑलवेज ट्राई टू वॉक साइलेंटली। इफ यू आर विद फ्रेंड्स ऑल्सो, बातें कम और वॉक पे ज़्यादा ध्यान रखिए, राइट, उसे एंजॉय कीजिए। और रहा ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग में थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट होता है। ब्रिस्क वॉकिंग इज इक्विवेलेंट टू जॉगिंग। अगर आप जॉगिंग नहीं कर पाते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग फॉलो कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग से आपके हार्ट बीट्स थोड़े बढ़ेंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन ही आपको फिट रखेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा उतना आप फिट रहोगे, कोई रोग आपको आपके पास नहीं आएगा। दिस वे यू जस्ट स्टार्ट विथ योर डे विथ मॉर्निंग वॉक एंड अ जॉगिंग। जो भी हर एक एक्सरसाइज जो भी करते हैं आपको 10 गिनना है, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी बस में 1, 2, 3, 4, 5, 10। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अभी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये गला 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अब आंखें देखिए, आंखों को पूरा घुमाइए, ये 10। इससे आपके नंबर भी कम होने के चांसेस हैं और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों ये जो भी जो मैंने फ़िलहाल एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज का फ़ायदा बता देता हूँ आपको। हम आज के ज़माने में, ये मॉडर्न दुनिया में, यहाँ तो होल डे विजिट ऑन दी चेयर, चेयर पे बैठ के, यहाँ तो आप इंजीनियर होंगे या कोई ऑफिसर होंगे या अकाउंट्स में होंगे, लेकिन होल डे वी जस्ट पास ओवर टाइम ऑन चेयर। हमारा ना मुड़ना होता है ना हम बस सिर्फ बैठे रहते हैं, ज़्यादातर हम स्क्रीन को ग्लेयर करते रहते हैं, बस यही होता है हमारा होल डे का एक्टिविटी। तो इसकी वजह से जो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो जकड़ जाते हैं। ये जॉइंट्स का हिलना मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कभी घुटने में दर्द नहीं होगा, कभी आपकी आँखों में नंबर जो है, चश्मा जो है वो आएगा नहीं, और यही फायदा है। और हो सके तो अगर आप ग्रीन लॉन में लेते हैं और ग्रीन लॉन में ये वॉक करते हैं या ग्रीन लॉन में आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी अच्छा है। एक्सरसाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब धीरे धीरे झुकिए, और ये इसमें भी आपको सिर्फ 10 गिनना है। जब भी कोई कुछ भी करें 10 का एक गैप रखें, सो दैट वो क्या है, मेंटेन होगा। ये जो आपका जो पीछे का जो है, ये इसका जो दर्द है वो आपका अच्छा होने का चांस, राइट। तो देखिए, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसको होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद ये आप थोड़ा सा पाउच स्प्रेड करके, जैसे जो ना जैसे बोलते चैट सकते हैं जैसा, ये आपको थोड़ा सा दर्द देगा। 10 की जगह 15 दिन में, और इस तरह आप इसको होल्ड करेंगे। दूसरा
करेंगे। ये मैं आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ खाकरिया पे कर रहा हूँ। और इसको फिर उसके बाद ये जो पाँव है उसको पुश कर, फिर उसके बाद आप इसका ग्लव्स भी ले सकते हैं। ये वाला इसको स्ट्रेच कीजिए, पाँव को बराबर स्ट्रेच रखिए। आपको बैक पेन है, ये वाला एक्सरसाइज छोटी उम्र वालों को काफ़ी जितना आप अंदर ले जा सके ले सकते हैं। और इसको पुश कीजिए और आप जितना नीचे पुश करते हैं उतना आपको बराबर। आप खाली ये 10 दिन करेंगे तो आपका बैक पेन है वो गायब हो जाएगा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये वाला एक्सरसाइज, राइट, ये रिलैक्सिंग वाला एक्सरसाइज है। आते करते करते भी कर सकते हैं, जितनी देर ज़्यादा करेंगे उतना आपको फायदा। इसके बाद बैक पेन का एक और एक एक्सरसाइज है, इसको गुजराती में हालरडू एक्सरसाइज बोलते हैं। हालरडा मतलब ये जो बच्चों को हम नहीं ऐसे गोदी में उठा के खाते हैं, इस तरह करना है। देखिए ये दो होल्ड कर लीजिए और इसे कीजिए, ये आपके बैक पेन को गायब कर देगा। तो ये भी ऐसे 10-10 कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म, सो फ्रेंड्स आज हमने काफ़ी एक्सरसाइज देखे बरोबर, और मैंने उनके लाभ उनसे क्या फ़ायदे होते हैं वो भी बताए हैं। आप इसमें से कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आप फिट रहोगे। बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, हैप्पी योगा डे, बाय, हैव अ नाइस डे।